व्यूअर्स, माय नेम इज यशवंत चिंचाले और आज हम इस वीडियो में गैस्ट्राइटिस के बारे में देखने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट गैस्ट्राइटिस। ओके, आज हम इस वीडियो में गैस्ट्राइटिस के बारे में देखेंगे। ओके, गैस्ट्राइटिस क्या होता है? मीन्स स्टमक। ओके, एंड आईटिस मीन्स इन्फ्लामेशन। ओके, आईटिस मीन्स इन्फ्लामेशन। सो हम गैस्ट्राइटिस को स्टमक इन्फ्लामेशन कहते हैं। ओके, इसमें होता क्या है? क्लिनिकल कंडीशन, देर इज अ अपर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट। इसके वजह से क्या होता है? अपर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होता है, डिस्कम्फर्ट हमको लगता है। देन इनडाइजेशन के प्रॉब्लम आ जाते हैं। देन डिस्पेप्सिया, ये चीज़ें होती है हम अगर क्लिनिकल कंडीशन देखे तो। ओके, मतलब गैस्ट्राइटिस हम देख रहे हैं। गैस्ट्राइटिस मतलब सिंपली देर इज अ स्टमक इन्फ्लामेशन, इसमें अपर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होता है, देन इनडाइजेशन, डिस्पेप्सिया। ओके, सो इस गैस्ट्राइटिस के टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन होता है एक एक्यूट गैस्ट्राइटिस एंड सेकेंड वन इज अ क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस। सो फ्रेंड्स, एक्यूट और क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस, सो हम देखेंगे एक्यूट गैस्ट्राइटिस। एक्यूट गैस्ट्राइटिस में होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या है, देर इज अ इन्फ्लामेटरी इन्वॉल्वमेंट ऑफ ए स्टमक म्यूकोसा। जो म्यूकोसल लेयर रहता है स्टमक का, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। ओके, सो इसके कॉजेस क्या है? व्हाट इज द इटियोपैथोजेनेसिस, किन वजह से ये गैस्ट्राइटिस होता है? पहला अगर कंपोनेंट देखें तो इसमें आता है डाइट एंड पर्सनल हैबिट्स। डाइट और पर्सनल हैबिट, स्पाइसी फूड, देन बिकॉज ऑफ द स्मोकिंग, एक्सेस अल्कोहल, माल न्यूट्रिशन, इन चीज़ों के वजह से हमको गैस्ट्राइटिस हो सकता है। देन सेकेंड हम अगर देखने जाए तो आता है इन्फेक्शन, वो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी का हो, डिप्थीरिया का हो, सैलमोनेला टाइफी का हो, न्यूमोनिया का हो, इन्फ्लुएंजा का हो। ओके, ये जो हम देख रहे हैं, इसके वजह से भी इन्फेक्शन हो सकता है, इसके वजह से भी गैस्ट्राइटिस हो सकता है। देन थर्ड कंपोनेंट अगर हम देखने जाते हैं तो इसमें ड्रग्स, अगर हम नॉन स्टेराइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग अगर ले रहे हैं तो इसके वजह से गैस्ट्राइटिस होने के चांसेस होते हैं। देन कॉर्टिसोन के वजह से होने के चांसेस होते हैं, फिनिल ब्यूटाजिन के वजह से गैस्ट्राइटिस होने के चांसेस होते हैं। एंड फोर्थ वन जो आता है वो है केमिकल एंड द फिजिकल एजेंट्स, एंड द फिफ्थ वन इज द स्ट्रेस। ओके, इन चार चीज़ों के वजह से एक्यूट गैस्ट्राइटिस होने के चांसेस होते हैं। सो एक्यूट गैस्ट्राइटिस ग्रॉसली कैसा दिखता है? जो अंदर का जो म्यूकोसल लेयर है वो इडिमैटस हो जाता है। ओके, इट बिकम इडिमैटस। देन हिमोरेजिक स्पॉट हमको वहाँ दिखाई देते हैं। ओके,
देन अगर हम उसको माइक्रोस्कोपिकली अगर देखने जाते हैं, ओके, सो जो न्यूट्रोफिल्स रहते हैं उसका इन्फिल्ट्रेशन हो सकता है. इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द न्यूट्रोफिल्स, इन्फिल्ट्रेशन मतलब वहाँ न्यूट्रोफिल जमा होना. इन द देन लैमिना प्रॉपरिया बिकम द इडिमैटस, इडिमा, ओके. देन हिमोरेजेस ऑन द सर्फेसेस, हिमोरेज ऑन द सर्फेसेस, ओके. सो गैस्ट्राइटिस में स्टमक इन्फ्लामेशन, उसके वजह से क्या हो सकता है, अपर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, देन इंडाइजेशन, देन डिस्पेप्सिया, देन एक्यूट हम देख रहे थे उसमें इन्फ्लामेशन, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टमक म्यूकोसा, इटियोपैथोजेनेसिस देखा हमने, डाइट एंड पर्सनल हैबिट्स, सेकेंड वन इज इन्फेक्शन, थर्ड वन इज ड्रग्स, देन केमिकल और फिजिकल एजेंट, और फिफ्थ वन इज स्ट्रेस. इन वजह से गैस्ट्राइटिस हो सकता है, एक्यूट गैस्ट्राइटिस. और माइक्रोस्कोपिकल अपेयरेंस अगर हम देखने जाए तो देर इज अ न्यूट्रोफिल इन्फिल्ट्रेशन, लैमिना प्रॉपरिया इडिमा एंड द हिमोरेजिक स्पॉट्स ऑन द सरफेस, ओके. देन हम अभी देखेंगे क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस के बारे में, ओके फ्रेंड्स. सो जो हम क्या देख रहे हैं अभी, क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस, क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस, इसके दो टाइप्स होते हैं. टाइप ए गैस्ट्राइटिस एंड सेकेंड वन इज टाइप बी गैस्ट्राइटिस, ओके. सो इस टाइप ए गैस्ट्राइटिस में देर इज अ इन्वॉल्वमेंट ऑफ ए बॉडी एंड फंडिक म्यूकोसा, मतलब जो स्टमक का जो बॉडी रहता है और जो फंडस रहता है उसका म्यूकोसा का इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, और इसमें एंट्रल म्यूकोसा का इन्वॉल्वमेंट होता है. एंट्रल म्यूकोसा मोर कॉमन रहता है इसमें, ओके. देन ये जो गैस्ट्राइटिस है इसको हम एटोइम्यून गैस्ट्राइटिस कहते हैं, ओके. और ये जो गैस्ट्राइटिस है ये एच पाइलोरी के इन्फेक्शन के वजह से हो सकता है, एच पाइलोरी के इन्फेक्शन के वजह से, ओके. देन इसमें जो सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज है, एटोइम्यून गैस्ट्राइटिस हम अगर कह रहे हैं तो इसमें सर्कुलेटिंग जो एंटीबॉडीज है वो एक तो हैशमेटाइड थायराइडाइटिस के हो सकते हैं, नहीं तो सेकेंड वन इज एडिंगसन डिसीज के हो सकते हैं, ओके. और इसमें क्या होता है, देर इज अ इंक्रीजेस द सिक्रीशन ऑफ ए एससीएल, एससीएल के सिक्रीशन की वजह से हो सकता है, नहीं तो पाइलोरी के इन्फेक्शन के वजह से हो सकता है. देन इट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द पेप्टिक अल्सर, ओके. सो दिस इज अ टू टाइप्स ऑफ ए क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस. देन थर्ड वन, इसका एक थर्ड और टाइप है, उसको हम बोलते हैं एबी गैस्ट्राइटिस, एबी गैस्ट्राइटिस, ये इसका थर्ड ये है, ओके. इसमें क्या हो होता है, इसमें म्यूकोजल रीजन, इसका वाला एंट्रल म्यूकोजल रीजन एंड बॉडी एंड फंडिक दोनों भी अफेक्ट हो जाते हैं, ओके. इट ऑकर्स इन द ऑल एज ग्रुप, कौन से भी एज ग्रुप में ये हो सकता है. देन ग्रॉस अपीयरेंस अगर हम देखने जाए सो देर इज अ
इडिमा, देन एट्रोपी हमको वहाँ दिखाई देता है। अगर हम माइक्रोस्कोपिकली अपीयरेंस के अगर बारे में देख रहे हैं तो इसमें जो इन्फ्लामेटरी चेंजेस है वो सुपेरियरली और डीपली दोनों जगह पे हमको दिखाई देते हैं। देन एक्टिविटी ऑफ इन्फ्लामेशन एक तो क्विजेंट नहीं तो एक्टिव हो सकती है और एक्यूट और क्रोनिक। देन देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ मेटाप्लेजिया, इंटेस्टिनल मेटाप्लेजिया। देन अगर हिस्टोलॉजिकली अगर हम बात करने जाए गैस्ट्राइटिस की तो उसके कॉजेस हमने देखे हैं, एच पायलोरी है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, नॉन स्टेरॉयड और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है, इन्फेक्शन है। ओके अगर हम अगर उसके लोकेशन की बात करते हैं, ओके लोकेशन की, तो एक तो म्यूकोजल रीजन पे रहेगा, नहीं तो बॉडी एंड फंडिक, अगर बोथ है तो हम इसको पैन गैस्ट्राइटिस बोलते हैं। ओके सो फ्रेंड्स दिस इज अबाउट गैस्ट्राइटिस एक्यूट और क्रॉनिक। हमने क्या क्या देखा, गैस्ट्राइटिस मतलब होता है स्टमक इन्फ्लामेशन, इसमें क्लिनिकल कंडीशन है अपर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, इंडाइजेशन और डिस्पेप्सिया। एक्यूट और एक्यूट में इन्फ्लामेशनरी इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टमक म्यूकोजा, इटियोलॉजिकल फैक्टर देखे डाइट और पर्सनल हैबिट में स्पाइसी फूड, स्मोकिंग, अल्कोहल, माल न्यूट्रिशन, इन्फेक्शन में हमने डिप्टेरिया, साल्मोनेला टाइफी, न्यूमोनिया, इन्फ्लुएंजा ये सब देखा बैक्टीरिया। देन ड्रग्स में देखे हमने नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, देन केमिकल एंड फिजिकल एजेंट, स्ट्रेस, ये सब उसके कॉजेटिंग एजेंट है एक्यूट गैस्ट्राइटिस के। देन हमने माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस देखा, हमने ग्रॉस उसके फीचर्स देखे। देन हम गए क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस के पास, हमने उसके तीन टाइप्स देखे, वो कहाँ कहाँ होता है वो देखा। देन उसका ग्रॉस, उसका माइक्रोस्कोपिक चेंजेस, उसका इन्फ्लामेटरी चेंजेस कैसे दिखते हैं, ओके एंड देयर इज अ हिस्टोलॉजिकली चेंजेस। सो फ्रेंड्स दिस इज ऑल अबाउट द गैस्ट्राइटिस। इफ यू लाइक द वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, और अगर कुछ डाउट है तो प्लीज आस्क इन द कमेंट सेशन, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर मैं ऐसी वीडियो डालते रहूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन कर आपको आए। थैंक यू फ्रेंड्स।